नीम गांव थाना क्षेत्र के गांव फूलनपुर में चार दिन पूर्व दबंगों के द्वारा कुल्हाड़ी से गांव के भीतर चौराहे पर दो लोगों को काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर दलबल के साथ बेहजम व नीम गांव पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक खीरी, अपर पुलिस अधीक्षक समेत कई थानों का पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस अधीक्षक खीरी ने नीम गांव SHO को तत्काल गिरफ्तारी करने के आदेश भी दिए थे, जिस पर नीम गांव पुलिस ने दो आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामला यह है कि अभी भी घटना में शामिल चार आरोपी अभी फरार हैं, जिससे दोनों परिवारों में अभी भी दहशत बरकरार है। डबल मर्डर केस की घटना के बाद सांत्वना देने पहुंचे कस्ता विधायक सौरभ सिंह, सोनू मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए स्थानीय पुलिस को कड़ी चेतावनी दी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।